नमस्कार, क्राइम तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देखते हैं वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन। तो पहली बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, रशिया और क्रीमिया को जोड़ने वाला ब्रिज जिस पर ब्लास्ट किया गया था। इसके बाद प्रेसिडेंट पुतिन का कहना है कि उसमें रशिया के दो लोग मारे गए, जिसके ऊपर अब रशिया जवाबी कार्रवाई करेगा। यूक्रेन की आतंकी कार्रवाई में ब्रिज को भारी नुकसान हुआ है, ऐसा पुतिन ने कहा है, तो इस चीज पर वो बड़ा फैसला लेंगे। दूसरी जो बड़ी खबर आई है वो चाइना से है। चाइना के साथ बढ़ते रिश्तों को लेकर सोलोमन आइलैंड के पीएम ने कहा है कि अब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी एक यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात चाइना के प्रेसिडेंट से होती है, जिसके बाद दोनों के बीच में एक समझौता होता है, जिसमें जो चाइना है वो सोलोमन आइलैंड को अपनी पुलिस डिप्लॉय करेगी, जिसके बाद ऐसा वहां के पीएम ने कहा है कि अब कोई भी उस पर चिंता ना करे और वो अपने आइलैंड की अब देखभाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो बड़ी खबर आई है वो जापान से है। जापान में 51 साल की बुजुर्ग महिला को अरेस्ट कर लिया जा चुका है। किस वजह से अरेस्ट किया गया है ये जानने वाली बात है। इस महिला ने 2000 से भी ज़्यादा बार फॉल्स कॉल्स किए, यानी कि वो कभी फायर ब्रिगेड को कॉल कर देती, कभी एम्बुलेंस को कॉल कर देती। इससे परेशान होकर फायर डिपार्टमेंट ने उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई, जिसके बाद उस महिला को अरेस्ट कर लिया जा चुका है। इस महिला का कहना है कि वो काफ़ी ज़्यादा लोनली फील करती थी, वो अकेले रहती थी, उसका हालचाल पूछने वाला कोई नहीं था, जिस वजह से वो फॉल्स कॉल्स किया करती थी ताकि लोग उसके बारे में पूछे। उसके बाद अगर उसे कोई लेने जाता था तो वो उसे इनकार कर दिया करती थी। तो इस वजह से परेशान होकर इस महिला के ऊपर FIR हुई, इसके बाद इसे अरेस्ट कर लिया जा चुका है। अगली बड़ी खबर, अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक भारतीय मूल के शख्स को उम्र कैद की सजा दी गई है। जो आरोप है वो अनुराग चंद्र पर ये है कि उन्होंने जानबूझकर अपनी गाड़ी से दूसरी गाड़ी को टक्कर मारी थी, जिस वजह से उसमें 3 लोगों की मौत हो गई और वो 3 नाबालिग लड़के थे जिनकी मौत हो गई थी। 2020 में ये किस्सा हुआ था, जब ये जो कुछ चंद लड़के थे मौज मस्ती करते हुए कहीं जा रहे थे, तो अचानक से ये अनुराग चंद्र के घर पर पहुंचते और वहाँ की डोरबेल बजा देते हैं। बस एक ये डोरबेल की वजह से इन 3 लड़कों की जान चली गई। चंद्र अपने घर से निकलते हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्साए थे कि उनकी डोरबेल क्यों बजाई गई। तो आरोपी चंद्र ने उस गाड़ी का पीछा किया अपनी गाड़ी से और जानबूझकर टक्कर मार दी। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। अमेरिका के न्यूयॉर्क से खबर सामने आई है, जहाँ पर एक प्राइवेट प्लेन की लैंडिंग एक बुजुर्ग महिला यात्री ने कराई थी, क्योंकि जो पायलट थे उनकी तबीयत अचानक से गंभीर रूप से ख़राब हो गई थी, जिसके बाद लैंडिंग के लिए महिला सामने आती है और इस लैंडिंग के दौरान राइट साइड का विंग, जो प्राइवेट जेट होता है उसका राइट साइड का विंग क्रैश हो जाता है, जिसके कारण लैंडिंग काफ़ी ज़्यादा गलत तरीके से होती है। लेकिन इसमें किसी को नुकसान नहीं होता है, लेकिन प्राइवेट जो जेट है उसको भारी नुकसान हो जाता है। इसके बाद जो पायलट जो बीमार हो गए थे उनको हॉस्पिटल भी ले जाया गया। अगली बड़ी खबर अमेरिका की कैलिफोर्निया से है, जहाँ पे घास काटने की मशीन से एक महिला की 2 टुकड़ों में हत्या हो जाती है। ये कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। ये महिला पार्क में लेटी हुई थी और सामने से ट्रैक्टर आ रहा था, जो कि घास काटने की मशीन को साथ लेकर आ रहा था। तो जो इस पर सवार था उसका ये कहना है कि उसने इस महिला को देखा नहीं था और ट्रैक्टर वहाँ से चला दिया, इस कारण इस महिला की 2 टुकड़ों में मौत हो गई। मौके पर ही महिला की मौत हो चुकी थी। 7 जुलाई को इस पार्क का जो मालिकाना हक है वो वाइनरी को ट्रांसफ़र किया गया था। उनका ये कहना है कि वो इस चीज़ में पूरी उनका सहयोग देंगे, उनके परिवार को भी पूरा सहयोग देंगे। अगली बड़ी खबर मेक्सिको से है, जहाँ पर एक और जर्नलिस्ट की हत्या कर दी गई। पिछले हफ्ते से लेकर अब तक ये दूसरे जर्नलिस्ट है जिनकी हत्या कर दी गई है। 2000 से लेकर अब तक मेक्सिको में 150 से भी ज़्यादा जर्नलिस्ट को मारा गया है। नेल्सन, जो कि न्यूज़ आउटलेट के डायरेक्टर थे, उनकी हत्या कर दी गई। तो फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही, बाकी के लिए देखते रहिए क्राइम तक।